माय चैनल अक्षुवादी ब्लॉग्स। तो मैं प्रेजेंट हूँ आपके सामने एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो सुबह का टाइम हो चुका है और मैंने एक ब्लॉग अपलोड कर दिया है। दूसरा ब्लॉग मैंने यहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से उसको मैंने फिनिश किया था। तो चलिए अभी अपने घर की कर लेते हैं साफ़ सफाई। सुबह का टाइम है तो सब घरों में काम ही होता है, तो मैं कुछ नया नहीं दिखा रही हूँ ना मैं कुछ नया कर रही हूँ। तो चलिए फ़िलहाल अपने घर को कर लेते हैं साफ़, उसके बाद आपसे बात करते हैं। कितना साफ हो गया, लेकिन पीले पीले जो स्पॉट है वो तो छूटे ही नहीं। वो उससे छूटे थे, नींबू से नींबू ही नहीं था। देखो यहाँ पर ये अपना कवर साफ करके लाई है फ़ोन का। ये इसी के फ़ोन का कवर है और ये ना इसके पापा परचेज़ करके लाए थे। बहुत ही ब्यूटीफुल कवर है। इसके पापा की जो पसंद है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो किसी भी चीज़ में हो। तो आपको ये कवर कैसा लगा वो बताइएगा ज़रूर। लाल कवर देना, बहुत ब्यूटीफुल कवर है। और पता नहीं इस पर क्या है, क्या ये पीले जो स्पॉट्स है ना साइड में, उस टाइम ध्यान ही नहीं दिया हम लोगों ने। पता नहीं ये शॉप से ही ऐसे आए थे या ये ऐसे ही आए थे, मैंने देखा था ना, बाद में पड़ गए पता ही नहीं चला कुछ। अब ये देखो बेचारी कितने एफर्ट लगा रही है क्लीन करने में अपने फ़ोन को। ये फ़ोन इसके पापा ने इसको गिफ्ट किया है, स्कूल के लिए गिफ्ट किया है। कोई काम ऐसा पड़ जाता है ना, जैसे अभी बीच में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो इस वजह से इसको फ़ोन देना पड़ा हमें अभी। तो ये इसका है न्यू फ़ोन। और फ्रेंड्स कुछ इस तरह से मैंने अपना जो रूम है वो सेट कर दिया है। बेडशीट मैंने चेंज की है आज। आप देख सकते हो दो कुशन मैंने उधर रखे हैं, दो कुशन मैंने उस साइड में रखे हैं और एक रखा है बीच में, क्योंकि पांच कुशन है। अगर ये साइड से इसकी फुसफुस के जितने भी कवर्स आते हैं उनमें ये बटन ऑन होता है, बटन नहीं होता। अब तो अलका ने ऐसे यहां में काट दिया। क्यों आधा सारे ड्रॉ माई अपनी बुक्स उठा के रखे यहां से। तेरी है? हां तेरी है। और अंदर जो बेड पर पड़ी है दोनों वो भी तेरी है शायद, उनको उठा के रखो जगह पर रखा करना बुक्स, अच्छी लगती है ऐसे फैली हुई। और यहाँ पर मेरा जो सोफा है वो भी सेट हो चुका है, बहुत अच्छे से मैंने इसको सेट कर दिया है। अभी मुझे दूसरे सोफ़े बनवाने हैं क्योंकि ये मेरे शादी वाले सोफ़े हैं, तो मैं सोच रही हूँ इनको ना रिपेयर करा लूँ, क्योंकि अभी इनको रिपेयरिंग की ज़रूरत है। थोड़ी बहुत है, ज़्यादा फिर भी नहीं है, क्योंकि लकड़ी के सोफ़े हैं तो बहुत टाइम चल गए हैं। और यहाँ पर अभी मेरी जो टेबल है वो ऐसे ही पड़ी है, अभी इसको और मैं मैनेज कर लेती हूँ। ये देखो सुबह सुबह का टाइम, सैंडल वगैरह सब घर में ही पड़े हुए हैं। तो चलिए इस टेबल को मैनेज कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये हमारे भोलू राम सो रहे हैं, इनके तो मैं जितने भी नाम रखूँ वो कम ही हैं, ये कहीं पर भी कभी भी लुढ़क जाते हैं, पता नहीं कितनी नींद आती है इनको। क्यों भाई क्यों सोते हो इतना? ये बोलता भी है। हेलो उठो, सुबह हो गई। ये बोलता भी है। हेलो ये नहीं उठता,
ये बोलता है, बस मुझे ही सुनाई देता है। नीचे की गिरा दिया उसके लग जाएगी। ये बस बोलता है पर मुझे ही सुनाई देता है, बाकी किसी को सुनाई नहीं देता। मेरा टेडी मेरे को ही नहीं सुनाई देता। हाँ तुझे ही सुनाई नहीं देता। ये मैंने इसको बर्थडे पर गिफ्ट किया था। मैं बोले जा रही हूँ फ्लिपकार्ट से, हमने लिया था फ्लिपकार्ट से, मंगाया था इसके बर्थडे पे, पर वो इस बात को मानने को रेडी नहीं है। मुझे लगा शायद कि मम्मी टी शर्ट की बोल रही है। हाँ इसकी याददाश्त कमजोर हो गई है। ये एसी का रिमोट जगह पर रख देते हैं हम। सुबह सुबह का यही बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, सब चीज़ों को उनकी जगह पर सेट करना। ये देखो कितना बड़ा चश्मा। तो फ्रेंड्स आज ही बनाई है मैंने आलू और पत्ता गोभी की सब्ज़ी। और आप सोच रहे होंगे ये कैसी आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी है, तो ये ना आलू मैंने बॉईल किए थे, बॉईल करने के बाद मैंने इसमें पत्ता गोभी को मिक्स किया है। और ऐसी सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके साथ मैं बनाने वाली हूँ सिंपल सा रायता। और ये है मेरा छोटा सा कुल्हड़, मिट्टी का कुल्हड़ है जिसके अंदर मैंने अपना दही जो है वो जमाया है। और इसी दही का मैं रायता बनाने वाली हूँ। मिट्टी के कुल्हड़ में आप कुछ भी चीज़ दही वगैरह जमाओ है ना, बहुत अच्छी स्मेल आती है। इसमें आप लस्सी पियो या फिर चाय पियो, बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर जमाया है दही और बहुत ही अच्छा जमाया, आप देख सकते हो। अपने इस छोटे से कुल्हड़ से जग के अंदर निकाल लेते हैं दही, जिसका हमें बनाना है सिंपल वाला रायता। आज हमारे लंच में यही हम खाने वाले हैं।